गाइस, आज भी जॉब नहीं मिली आपके भाई फ्रैंकलिन को। देखिए 31 साल का लड़का ऐसे जॉबलेस घूम रहा है, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती मुझे इस बात पे, लेकिन आज रोना आ रहा है सीधा। जल्दी जल्दी मेहनत करता हूँ, फ्रैंकलिन ना जाए। ये क्या चल रहा है गाइस? अरे भाई मैं तो पहले से बर्बाद हूँ, तू मेरे घर को क्यों तबाह करने आ गया? अरे लास्ट टाइम ले तो गया था सारा सोना और मैं गरीब भी हो गया, पता नहीं किसने छीन लिया मुझसे। अबे बकवास बंद कर फ्रैंकलिन, इस बार मैं सारे सोने को लेकर रहूंगा और डायरेक्ट कम से कम 1 लाख साल का बन जाऊंगा सूट खरीद के। अरे नहीं है कोई सूट यहाँ पर, ना ही कोई सोना। अबे चुप रह, चौबीस जरा मेरा इनविजिबल ड्रोन एक्टिव करो यार। कैसा तो नहीं है फ्रैंकलिन की बात सच हो, कभी सोना ही ना उसके घर पे और फालतू में मैं यहाँ पे मेहनत करता रहा हूँ। ओह किस गाइस, यहाँ पे टोनी स्टार्क चेक तो कर रहा है, मुझे नहीं लगता मेरे घर पे कोई सोना होगा। जरूर होगा बेटा, जरूर होगा फ्रैंकलिन। अरे वाह मिल गया। ये क्या चल रहा है गाइस, मेरे घर पे सोना कहाँ से आ रहा है डेली इतना खतरनाक, और मुझे ही नहीं पता मैं इतना गरीब हूँ। गाइस देखो टोनी स्टार्क मेरे पास है, देख पिछली बार ना तूने चीटिंग की थी, मुझे $1 दिया था, वो $1 आज भी मेरे पास है। प्लीज इस बार कम से कम मुझे 100-200 मिलियन डॉलर तो दे दियो। अरे पूरा 1.5 घंटा लगा है मुझे सोने को निकालने में, तू कह रहा है कि मैं तुझे पैसा दूं? अरे आधा तो दे देना भाई, चल 1 कैरेट दे दे सोने की, मैं भी एक अच्छी सी एज का सूट खरीद लूंगा आयरन मैन का, वरना मेरी हालत तो खराब ही पड़ी है। अबे चुपचाप निकलता है या जान से मारूं तुझे? नहीं मैं नहीं चाहूंगा, ये मेरा घर। अबे तू जा, मेरा घर है ये गाइस, मैं सही बोल रहा हूँ ना, ये मेरे घर पे मुझे ही मारता है। प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से अपने फ्रैंकलिन के लिए। बकवास आदमी कहीं का, बहुत ही बढ़िया। अरे गाइस इसको तो देख लूंगा मैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा आपके भाई फ्रैंकलिन के साथ। मैं ना गाइस पहले ये देखता हूँ ये कौन सी वेबसाइट से कौन सा सूट खरीदेगा, क्योंकि गाइस ये बात बहुत ही मिस्टीरियस है। लास्ट टाइम मैंने भी ढूंढने की कोशिश की थी, कोई वेबसाइट मुझे मिली नहीं थी। चलो अब जल्दी जल्दी से, इससे पहले कि फ्रैंकलिन दोबारा से नाक में दम करे, मैं यहाँ पर वेबसाइट निकालता हूँ। आयरन मैन एज सूट शॉप, बिल्कुल बढ़िया वेबसाइट है, 100 मिलियन डॉलर का ही खरीदूंगा, मुझे छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं आती। गाइस पता नहीं इसकी कितनी एज बढ़ेगी। अरे वाह मेरे सूट की एज 1 लाख साल है। टोनी स्टार्क तूने तो बस 1 लाख साल करी है, मैं तो अनलिमिटेड ईयर्स करके रहूंगा। अरे जिंदगी बन गई। गाइस मुझे इसकी वेबसाइट का एड्रेस तो पता चला, आयरन मैन एज सूट शॉप है। अरे ये तो लॉक है दोस्तों, प्लीज जल्दी से इसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। अरे प्लीज खुल जा, नहीं खुल रही। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी, साथ साथ में कमेंट में 80 गेमर ओपी लिख दीजिए अपने भाई फ्रैंकलिन के लिए, 80 गेमर ओपी आपको लिखना होगा जिससे हमारी वेबसाइट अनलॉक हो जाए। वाह गाइस देखिए मैंने वेबसाइट सही निकाल ली, लेकिन यहाँ पे $1 का सूट लॉक्ड पड़ा है। अरे वाह ये तो ग्रीन एंड पिंक टैटू वाला आयरन मैन का सूट लग रहा है, बाय करके देखो। लुक एट मी गाइस, पहले मेरी एज 31 साल थी, अब तो मैं 55 ईयर्स का हो गया। हालांकि मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, ये बहुत ही बुरी बात है, लेकिन दोस्तों अगर मैं पैसे कमा लूं तो टोनी स्टार्क के सूट को पीछे छोड़ दूंगा। बाप रे फल खरीद लो, फल खरीद लो, मेरी दुकान बहुत बढ़िया है और मैं खरीदूंगा फल। गाइस ये क्या चल रहा है, यहाँ पर एक अंकल जी की दुकान में फल बेचने वाले को बहुत बुरा मार रहा है। अरे मैं तो फल बेच रहा था। अरे मैं क्या गाइस, इसने पैसेंजर्स को भी मार दिया, मेरा मतलब खरीदने वाले कस्टमर्स को भी, और साथ साथ में बेचारे अंकल को भी पीटा इसने। जल्दी से दुकान ले जाता हूँ। अरे मेरी पूरी 2 करोड़ की दुकान, 2 करोड़ डॉलर की दुकान है, नहीं प्लीज मत लेके जा। और लेकर जाऊंगा। ओए ओए रेडल, अरे बाप रे गाइस मैं इसको रोक कैसे? रेडल रोक, नहीं रुकूंगा, मारूंगा ये ले, कौन है तू? अरे भैया जल्दी जल्दी जाता हूँ, बहुत पैसा कमाना है मुझे इस दुकान के फल बेच बेच कर। आज तो मैं अमीर बन जाऊंगा। गाइस नहीं, बेचारा रेड हल्क, मेरा मतलब बेचारे अंकल को रेड हल्क पीट के चला गया। अंकल जी उठिए, कम ऑन अंकल जी, अंकल जी हेलो। गाइस हमें इन अंकल को बचाना पड़ेगा, ये बहुत ही गलत हो गया इन बेचारे अंकल के साथ। अरे मैं क्या करूँ, मेरी पूरी फैमिली की धन दौलत उस फलों की दुकान में थी, वो लुट गई, चली गई, मैं बर्बाद हो गया, मैं मर जाऊंगा। लेकिन अंकल जी अगर आप मर गए आपकी फैमिली को कौन संभालेगा? बिल्कुल सही कहा बच्चे, प्लीज मेरी मदद कर, अगर तू मुझे मेरी फलों की दुकान वापस लाएगा तो मैं तुझे बदले में 1.5 मिलियन डॉलर दूंगा। क्या 1.5 मिलियन डॉलर? लगता है गाइस अंकल जी बहुत अमीर है और उनकी दुकान में कुछ ऐसा खास फल है जिसको वो पूरी किसी भी हालत में वापस लाना चाहते हैं। अरे आ जाओ फल खरीद लो, एक फल है पूरे के पूरे $1 मिलियन का। क्या एक फल
मिलियन डॉलर का। इस पल को खाओगे जिंदगी भर के लिए अमर हो जाओगे। ओ गाइस अभी समझा ये फल इतने खास क्यों है, ये तो पूरी की पूरी इमॉर्टल बनाने वाले फल है। हालांकि मुझे नहीं पता ये सच है झूठ है, लेकिन गाइस यहाँ पे रात हो गई है, पूरी की पूरी फल की दुकान को उठाकर हम ना यहाँ से ले जाते हैं इससे पहले कि रेडल रहे। इस फल की दुकान को दोस्तों मैं इस वाले ट्रक में लोड करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। जल्दी से सारे फल बेचूंगा, 100 मिलियन डॉलर का सूट खरीदूंगा, 100 लाख साल उम्र होगी मेरी। 100 लाख साल तो गाइस ये उम्र करना चाह रहा है। अरे कौन है तू, भागा, रुक तुझे बताता हूँ। ये ले मेरा ट्रक चुराता है, मेरा फल चुराता है, बेवकूफ तेरे फल नहीं है वो, तूने तो किसी अंकल से चुराया वो। अरे तो तू भी तो चोरी कर रहा है मुझसे, अरे कोई भी आएगा उसको मारूंगा। दोस्तों मुझे कुछ और स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, उसने तो बहुत बढ़िया से मारा। गाइस ये तो बड़ा बेचिंतक आदमी है, देखिए वापस से सो गया। इस बार फल की दुकान को साइड में रख के सोया है, जिससे कि कोई और ले गया तो मारेगा। एक मिनट गाइस, ये तो रेड की कार है, एकदम रेड वाली, क्यों ना चलो गाइस एक काम करते हैं, इसी रेड कार से रेड हल की टांगे तोड़ डालते हैं, जिससे कि वो हमारे पीछे नहीं पड़ेगा। बहुत मजा आएगा, तोड़ दिया। इतना ही नहीं गाइस, मैं इसे और बता लूंगा, बेचारे अंकल की दुकान बर्बाद करता है तो बेवकूफ, आराम मार दिया अभी। गाइस मैं काम करता हूँ, इसकी कार में आग लगा देता हूँ, जिससे कि ये किसी और बेचारे की दुकान सामान चोरी ना करे, यहाँ तक कि ये मासूम बच्चों को भी चुराता है। गाइस कितना बुरा रेडल का, ये ले ये ले ये ले। गाइस हमने रेडल की अच्छी खासी बैंड बजाई ना, बजाई तो कमेंट में यस लिखिए प्लीज। बाकी तो यहाँ पर मैंने ट्रक में बैठा, अब जल्दी से फल की दुकानों को जल्दी से यहाँ पे। अरे बाप रे गाइस, देखिए उसकी कार ही फट गई, लेकिन ये रेडल मरने का नाम लेता। फ्रैंकलिन मैं तेरे सपने मांगूंगा, तुझे डराऊंगा। गाइस अभी भी वो मुझे धमकी दे रहा था, खैर कोई नहीं, जल्दी से इस दुकान को हम अंकल जी के पास लेते हैं। अरे बेटा वाह, तू तो ट्रक को ही वापस ले आया। अरे बिल्कुल अंकल जी, मैंने तेरे लिए पैसे रख रखे थे, देख पेटी में, काम करता हूँ तेरे पास ट्रांसफर करता हूँ, तेरा नाम फ्रैंकलिन और ये गेलो है। अरे वाह गाइस, अंकल जी ने ना हमें पूरे 1.5 मिलियन डॉलर दे दिए, वादे के मुकाबले, मतलब अभी ना हम यहाँ पर बहुत ही कमाल का सूट खरीदने वाले हैं। 1.5 मिलियन डॉलर में पता नहीं कैसा सूट होगा। अरे वाह, ये भी ग्रीन ही सूट है एंड पिंक टैटू है, बाय करता उसको। लुक एट मी गाइस, एज 988 है, इसका मतलब गाइस अब तो यहाँ पर मैं उड़ना भी स्टार्ट कर दिया हूँ। अब तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ही टाइम और है, फिर हम टोनी स्टार्क के सूट को भी खरीद लेंगे। एक मिनट, ये किसका कॉल है? अरे मैं डॉक्टर स्ट्रेंज बोल रहा हूँ बच्चे, जल्दी मेरे पास आ, मुझे तेरी मदद चाहिए, टोनी स्टार्क से लड़ाई हो गई। क्या टोनी स्टार्क से लड़ाई हो गई, लेकिन क्यों? गाइस अभी जाना पड़ेगा। टोनी स्टार्क मेरे को इंग्रेडिएंट नहीं दे रहा है। लेकिन कैसा इंग्रेडिएंट मुझे बताएंगे आप? गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज का सूट कितना जायंट है। अरे बच्चे फ्रैंकलिन, मेरे को अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के सूट को ग्रीन सूट में बदलना है, मतलब मैं हल्क की तरह ताकतवर होना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट चाहिए। समझ गया गाइस, अब भी ना हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करनी होगी, लेकिन वो जो इंग्रेडिएंट है वो टोनी स्टार्क के पास है। दोस्तों टोनी स्टार्क के पास भी 1 लाख साल का कितना खतरनाक जायंट डायमंड का सूट है, जो कि ब्लू एंड गोल्ड है। मजा ही आ गया आज तो जिंदगी में। डॉक्टर स्ट्रेंज को एक भी इंग्रेडिएंट नहीं दूंगा मैं। गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज बताया था वो व्हाइट टाइप का बॉक्स है, अंदर शायद हो सकता है। अरे बाप रे, ये रहा। गाइस हमें ये इंग्रेडिएंट बॉक्स मिल गया है, अब जल्दी से हमें इसको उठाया और यहां से निकलते हैं, इससे पहले कि टोनी स्टार्क को पता चले मैं यहां पर खुद की एज उससे ज्यादा कर लूंगा, मतलब 9999 करूंगा, उसके बाद हम वापस आएंगे और उसकी बैंड बजाएंगे। तो चलो गाइस यहां से निकलते हैं। सर खतरा, ऐसा खतरा, जो भी खतरा उसको उड़ा डालो। अरे बाप रे, नहीं 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 गाइस, टोनी स्टार्क के सूट को पता चल गया, मैं तुझे मार दूंगा, मेरे सर के इंग्रेडिएंट चुराता है। अरे यार ये कैसा आयरन मैन है, इतना बुरा मारा और मारूंगा मैं तुझे, खतरा। अरे बाप रे गाइस, ये क्या बढ़ाया है, देख तेरी एज फिर से 31 साल हो गई। गाइस मेरा सूट छीन लिया इसने, इसलिए मेरी एज फिर से 31 ईयर्स हो गई है। मैं अपनी एज वापस से 988 ईयर्स करके रहूंगा, लेकिन यहाँ से निकलूं कैसे, क्या करूँ क्या करूँ। गाइस हमें कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। अरे कोई तरीका नहीं ढूंढेगा, देख अब शाम भी होने आई, दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज भी मेरा इंतजार कर रहा होगा और मैं यहाँ पे फंसा पड़ा हूँ। गाइस स्टॉक सो रहा है, यही सही मौका है इस जाल से निकल जाने। चलो दोस्तों अब जल्दी से ढूंढते हैं कहाँ, अरे बापरे कहाँ पर है, कहाँ पर है। गाइस एक मिनट, यहाँ पर देखिए, ये तो एक वेल्डिंग मशीन है। गाइस इसके थ्रू मैं यहाँ पर जाल को काट के यहाँ से निकल जाऊंगा, उसके बाद मेरी एज फिर से 988 ईयर्स हो जाएगी। साथ साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए हमें इंग्रेडिएंट भी लेके जाने जो टोनी स्टार्क के पास रखे हैं। एक बार मैंने वो डॉक्टर स्ट्रेंज को दे दिए तो दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे माला माल कर देगा, क्योंकि वो जादूगर है, वो किसी के भी पैसे चुरा के मुझे दे सकता है। कमॉन कमॉन, फाइनली गाइस हमने जाल को तोड़ दिया, क्योंकि हमने इसको वीक कर दिया था वेल्डिंग मशीन के थ्रू। अब गाइस जल्दी अपना सूट पहना, देखिए मेरी एज फिर से 988 ईयर्स हो गई।
फ्रैंकलिन तो बचेगा ना बड़ा। गाइस यहाँ पर टोनी स्टार्क तो सपनों में मेरी बैंड बजा रहा है, शायद देखिए जब देखो तब मुझे परेशान करता रहता है। इसको देखता हूँ मैं भी, अभी जल्दी जाओ से निकलता हूँ और इंग्रीडियंट्स को जल्दी से अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को जाके देते हैं। जल्दी जाता हूँ। बिल्कुल सर, ये लीजिए आपके इंग्रीडियंट बॉक्सेस। अरे रुक, पहले मैं अपने सूट को जायंट ग्रीन तो कर लो। गाइस यहाँ पे इसके अंदर से कोई ग्रीन स्मोक निकल रहा है जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के फेस का कलर और बॉडी का ग्रीन। ओ माय गॉड, ग्रीन डॉक्टर स्ट्रेंज, वो भी जायंट वाला। बिल्कुल सही कहा बच्चे, वाह कमाल कर दिया। टोनी स्टार्क के अकाउंट से चुरा के दे दूंगा इतने मिलियन डॉलर। क्या टोनी स्टार्क के अकाउंट से? अच्छा हुआ गाइस, यहाँ पर अब 40 मिलियन डॉलर में ना हम कोई बढ़िया सा एज वाला सूट खरीदेंगे। उम्मीद करता हूँ इस बार मैं ऐसा सूट खरीदूं जिससे टोनी स्टार्क के सूट के एज को सरपास कर लूं। गाइस ये तो एक ग्रीन एंड पिंक टैटू वाला अल्ट्रॉन का सूट है, बाय किया। लुक एट मी गाइस, बेशक हम टोनी स्टार्क की एज को छेक नहीं पाए, मतलब पीछे नहीं कर पाए, लेकिन हमारी एज भी कम नहीं है। अब 9000 साल का हो चुका हूं मैं। लेकिन दोस्तों अभी मुझे और पॉपुलैरिटी गेन करनी होगी जिससे मुझे मिशंस मिले। अरे बाप रे, मैं सोया और ये फ्रैंकलिन फरार हुआ, साथ साथ में मेरा इंग्रेडिएंट ले गया। जरूर उस डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही चुरवाया होगा। चलो जावेस, हम अपने जैंट सूट को पहनेंगे और उसकी बैंड में जाएंगे। बड़ा फ्रैंकलिन, टोनी स्टार्क आ रहा है, मेरी एज है पूरे 1,00,000 साल। बचेगा नहीं तो। हाँ देखिए गाइस देखिए, अच्छा लोगों के बीच में पॉपुलर भी हो रहा है दोस्तों ये, मैं अभी दिखाता हूँ ये देखो। अरे वाह भैया, तुम तो कमाल के लग रहे हो, तुम्हारी एज भी 9000 साल है। अरे हाँ 9000 साल का ही आदमी, ऐ मार दे आदमी को। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1,00,000 साल का जायंट आ चुका है, इस फ्रैंकलिन की बैंड बजा रहे है। ये क्या? अरे बाप रे गाइस, फिर से सूट से बाहर निकाल दिया, इस बार तो कपड़े भी नहीं छोड़े। गाइस प्लीज हेल्प मी, गाइस कमेंट में जल्दी से हेल्प मी आयरन मैन सूट लिखिए। देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो मेरा आयरन मैन का सूट हमारी मदद करने आएगा, टोनी स्टार्क को पीटेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गाइस लिखिए तो एक बार। सर मैं आ रहा हूं आपको बचाने, ए टोनी स्टार्क ये ले। अरे बाप रे, ये कौन सी है ये भाई? ये बच्चों का प्यार है जो मेरे पे बिखर रहा है और तेरी बैंड बजा रहा है। आजा सूट मुझे पहन ले। ओके सर। गाइस अब मैंने अपने सूट को पहन लिया है, अब ये टोनी स्टार्क बचेगा नहीं। अरे बाप रे, मुझे भी अपना सूट पहनना पड़ेगा। जाओ ये सूट पहनाओ, अभी तो बचेगा नहीं फ्रैंकलिन। बचेगा तो टोनी स्टार्क, ये ले। अरे बाप रे, क्या ही मारा है मुझे, और बुरी तरह से मारूंगा, ये ले। अरे फ्रैंकलिन तेरी बैंड बजा डालूंगा मैं। गाइस मेरी एज बेशक 9000 साल है, लेकिन आप सभी के सपोर्ट की वजह से हमने टोनी स्टार्क के 1,00,000 साल के सूट को हरा दिया है। आइडिया, डॉक्टर स्ट्रेंज मेरी बात सुनिए। क्या बात है बच्चे, जल्दी से अपने जायंट सूट को इधर लेके आइए, मेरे पास आपके लिए एक डील है। जी क्या तुम? मैं हूं ग्रीन डॉक्टर स्ट्रेंज, मेरी एज है पूरे 5,00,000 साल। बता बच्चे क्या बात है? सर मैं चाहता हूं आप डॉक्टर स्ट्रेंज इस वाले सूट को ना किसी भी तरीके से पैसों में कन्वर्ट कर दो। बेटा ऐसा जादू तो मुझसे आता नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ। $100 मिलियन। ओके दोस्तों, अब $100 मिलियन में ना हम खरीदेंगे बढ़िया सा सूट। गाइस पता नहीं कौन सी है जो कि कितनी होगी, बस उम्मीद करता हूँ टोनी स्टार्क से ज्यादा की हो। अरे वाह, ये तो ऑलरेडी 3-हेडेड है, जो कि पिंक एंड ग्रीन टैटू वाला आयरन मैन का सूट है। वाओ मेरी एज गाइस, लुक एट मी, यहां पर 9999999999999 हो चुकी है। इसका मतलब गाइस मैं दुनिया का सबसे ज्यादा एज वाला आयरन मैन बन चुका हूं। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखना है तो प्लीज जल्दी से स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।